हम बात कर रहे हैं रेडियो बटन एंड कॉम्बो बॉक्स को, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ, यहाँ पे नेम और हम यहाँ पे बटन ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद मैं यहां देता हूं कोर्स, बंद करो तो खिड़की दे कोर्स, और कोर्स में मैं चेकबॉक्स ले दूंगा। एक्सेल बीवी और यहां पे एक्सेस। तो कोर्स कोई तीनों ले सकता है, कोई एक भी ले सकता है, ठीक है। अब कंट्रोल से मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में गए अलाइन में, और अलाइन में टॉप कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, हमें लेफ्ट करना था अलाइन, अलाइन यहां लेफ्ट, ताकि एक शीर्ष स्क्रीन में आ जाए सारा। और फॉर्मेट में एक और चीज होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग जो है ना, मैं कि इक्वल कर देता हूं, ताकि इन तीनों के बीच में जो गैप है एक एक जैसा हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक है टाइप, क्लास ऑनलाइन चाहिए क्लास ऑफलाइन चाहिए, टाइप टाइप हो गया। और इसमें अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि तीनों चूज हो सकता है, इसलिए मैं चेकबॉक्स दिए। अब मुझे टाइप में खाया तो ऑनलाइन या फिर क्लास हो या डीवीडी, सॉरी दोनों नहीं दे सकता, एक ही दे सकता हूं, या क्लासरूम भी कर लीजिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन बटन लेंगे। ऑप्शन बटन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि कई सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना, ऑनलाइन और हमने यहां पे दे दिया डीवीडी। और फिर इसमें सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अलाइन लेफ्ट, और यहां पे वर्टिकल स्पेसिंग हमने ठीक है हो गया। अब मैं एक बटन लेता हूं, कमांड बटन, और उस कमांड बटन के जरिए हम इसको शो करवा दें, सबमिट करवा दें। किसके ऊपर? डेटा के सीट के ऊपर। डेटा में यहां नेम हो गया, यहां पे कोर्स हो गया, और यहां पे टाइम हो गया, ठीक है। तो सबमिट पे जाते हैं, क्लिक है सबमिट, और यहां पे सबसे पहले लिखता हूं रेंज ए 65,000 डॉट एम, ये तो पता ही आप लोग, एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, और इसके आगे मैं हो सकता तो सीट्स का
रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई पहली सीट है हमारी, जो भी सीट का नाम है वो दे सकते हैं, बट चेकबॉक्स कैसे करें, क्योंकि जिसपे क्लिक होगा उसी की इंची करनी है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ड्राइवर लेता हूँ कि डिम सी एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे कंडीशन होगा कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, क्योंकि क्लिक होगा तो ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा, ट्रू दैट सी इक्वल टू मी डॉट चेकबॉक्स वन डॉट कैप्शन, उसी जो कैप्शन लिखा हुआ है वो इस मी पे स्टार हो जाए, देन एंड इट। अब इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, यहां चेकबॉक्स वन की जगह पे टू हो जाएगा और सी यहां पे जाएगा, सी के साथ हम कंबाइन करेंगे कॉमा, क्योंकि तो अगर ऊपर वाला वैल्यू चेक हुआ तो उसको भी रखना है इसको भी रखना है, इसलिए तो यहां पे चेक बॉक्स थ्री हो जाएगा। तो ये आपका चेक बॉक्स के लिए इस तरह से आप लगाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन मेथड की, तो यहां पे भी हम कर यहां पे भी करते हैं डिम एज ए टाइप। अब कंडीशन होगा कि इफ ऑप्शन मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू दैट मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू दैन टी इक्वल टू डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट कैप्शन, ठीक है, बट इसमें एक ही हो सकता है, इसलिए हम एल्स इफ का सहारा लेंगे, एल्स इफ मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू दैट टी इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट कैप्शन कैप्शन और फिर यहां पे एंड इफ, यहां पे एंड इफ, और उसके बाद फिर इसी मेथड ऊपर वाला मेथड डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसको कॉपी करेंगे और यहां पे जीरो की जगह वन के जगह पे जीरो हो जाएगा, यहां पे वन, और फिर टेक्स्ट बॉक्स वन के जगह पे यहां कर देंगे टी, यहां पे सॉरी सी कॉपी, और यहां पे टू, और यहां पे हम कर देंगे वापस टी, समझ गए, और इसको कीजिए पूजा एक्शन ऑनलाइन सब, ठीक है, बीवीए के साथ एक्सेस के साथ डीवीडी, ठीक है, समझ में आया, बट मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करता हूं। अब मेरे पास एक और यहां पे आ जाता है डे, कि क्लास जो है वो वीकेंड पे होगा या मंडे टू फ्राइडे होगा,
तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैंने ऑप्शन बटन डिजाइन किया एक और यहाँ पे मैंने दे दिया कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, तो उसमें दिक्कत क्या हो? दिक्कत यहाँ ये होगा कि मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि एक्सेल अभी तीनों को एक ही कैटेगरी मांग रहा है कि भाई ये टाइप ही है। लेकिन एडिटर में यही दिक्कत होती है कि अगर आपको अलग अलग ग्रुप करना है तो उसके लिए फिर आपको ग्रुप बॉक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रहा ग्रुप बॉक्स, इसको आप डिजाइन कीजिए, एक बार डे को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो जब भी आप रेडियो बटन का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि फ्रेम के अंदर में करें, फ्रेम के अंदर में करने से ही फायदा होता है। और ये फ्रेम, फ्रेम वन लिखा हुआ है, इस फ्रेम वन की जगह पे हम कर देते हैं डे, यहाँ प्रॉपर्टी बार से कैप्शन में, फिर मंडे टू फ्राइडे, और फिर एक और हम लेते हैं डेली चेक बटन, और यहाँ नीचे ड्रैग कर देते हैं तो क्यों जाएगा सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब इसको अगर प्ले करते हैं आप तो क्या होगा, इसमें क्लिक होगा ना तो इसमें क्लिक होगा। ठीक है, और फिर कंडीशन जो करना है आपका वही, ये जो कंडीशंस है इसी को ले लीजिए आप, ऑप्शन बटन वन की जगह पे यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पे भी थ्री, और यहाँ पे फोर, और यहाँ पे भी फोर, और टी की जगह मान लीजिए मैं पी दे देता हूँ, और यहाँ भी पी कर देता हूँ, और यहाँ पी, और यहाँ पे थ्री हो जाएगा। अब मैं इंची करूं कोई कि यहाँ पे आप पूजा, पूजा नहीं कॉल कर देता हूँ, कविता, कविता, हमने यहाँ पे एक्सल और वीवी कर दिया, और हमने यहाँ पे एसएस, और यहाँ पे ठीक है सर, तो डाउट इसमें। सर लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर में भी, इस जो हम कर रहे हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको ये फाइल में भेज रहा हूँ, आपको इस कोड को अच्छी तरीके से रन करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फाइल को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को फाइंड करना है और देन रिजॉल्व करना मेगा पे वीडियो अपलोड कर दो, किस तारीख के बाद है नहीं। है। अभी कर देता हूँ, फाइल में आपको 12 पे मिल जाएगी, और ये फाइल मैं आपको ठीक है भेजता सर, ठीक है। कल क्लास लेंगे सर। हाँ, तो कुछ खास बात है क्या?